बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई रूफ पे और ये दीना खा रहे हैं। ये मुर्गियाँ भी लगी हुई हैं, इनको डाला है जी लूसन और थोड़ी सी तूड़ी मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि लूसन इन दिनों में रावलपिंडी इस्लामाबाद में थोड़ा सा महंगा भी है और थोड़ा सा कम भी हो गया, तो इस वजह से मैं ये थोड़ा सा बीच में ऐड कर देती हूँ। और इसी तरह वनडे में भी मैं तूड़ी को ऐड करती हूँ। तो बहुत से भाइयों का सवाल होता है कि आप सिर्फ क्या तूड़ी देती हैं, तो क्या तूड़ी भी ऐसे जानवर तैयार होते हैं सिर्फ भूसे पे? तो ये आपके सोचने की बात है कि क्या आया तूड़ी पे सिर्फ जानवर पाले जा सकते हैं, क्या ये गाय है या भैंस है? तो वंडा एक खास मकदार में इनको दिया जाता है और साथ इसमें तूड़ी को ऐड कर दिया जाता है। बाकी सिर्फ तूड़ी नहीं होती और ना ही सिर्फ तूड़ी पे जानवर ऐसे तैयार होते हैं और ना ही हीट पे आते हैं। अच्छा जी, एक और बात जो लाजमन बताने वाली थी वो ये कि अपने जो बकरी के बच्चे हैं, जो आपके पास बकरी के बच्चे हैं, उनकी कम से कम तीन माह में उनकी ग्रोथ होती है, तो 3 माह आपने बहुत एहतियात से उनको पालना है, उनको दूध वगैरह ये वो सारा कुछ टाइम पे देना है। अच्छा, फिर नंबर 2 बात ये है जी कि 1 साल तक बच्चे की डिवर्मिंग लाजमन करें, हर माह लाजमन डिवर्मिंग करें। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले होते हैं, उनमें कीड़े पेट के पैदा होने का ज़्यादा इम्कान होते हैं। इस वजह से क्योंकि मट्टी भी चाटते हैं, तो इसलिए उन पर अगर उनकी आप ग्रोथ चाहते हैं अच्छी, तो आप उनकी फीड में दूध लाजमन रखें। नंबर 2 बात यह है कि 1 साल तक बच्चे की डिवर्मिंग हर माह लाजमन करें। अब मैंने कल इनको पीने वाली दवाई दी। अब आसान लफ्ज़ों में बोलूँगी, क्योंकि बहुत से भाइयों का ये होता है कि जी डिवर्मिंग क्या चीज़ है, तो पेट के कीड़े मारने वाली दवाई दी और आज इंशाल्लाह खाल का इंजेक्शन, जो कि खाल के कीड़ों का होता है जिसमें जुएँ चिचड़ ये वो चीज़ें आती हैं, वो इंजेक्शन लगाना है और इंशाल्लाह पूरी डिवर्मिंग हो जानी है। और बड़े बकरे को भी लगाना है, साथ इनको लगाया वाइटामिन AD3 कल, तो बकरे को भी लगाया, इन दोनों को छोड़ गए। क्यों? क्योंकि ये माशाल्लाह से हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इनको कोई स्ट्रेस आए। तो इंजेक्शन लगने से आपको पता है बकरी जोर भी लगाती है और स्ट्रेस में भी हो जाती है। और वाइटामिन AD3 हो गया, खाल का इंजेक्शन हो गया, इसकी जो नीडल होती है वो मोटी होती है, तो उससे काफ़ी पेन भी होता है, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि ये स्ट्रेस में आए। फिलहाल इनको किसी भी किस्म की कोई भी इंजेक्शन ये वो मैं नहीं दे रही, जस्ट फीड है अच्छी बस। अच्छा, इसके रह गए जी 5वें महीने के हो गए हैं जी, इसके 15 तारीख को इसके पूरे 5 माह हो जाएंगे अगले माह के, तो आपने इसके लिए भी दुआ करनी, अल्लाह ताला इसको भी खैरियत से फारिग कर दे, क्योंकि माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेडिसिन कोई दवाई ये वो चीज़ यूज़ ना करवाई जाए। मैं तो आम रूटीन में भी इनको बहुत कम दवाइयाँ और टीके वगैरह लगाती हूँ, ज़्यादातर कोशिश मेरी होती है कि देसी टोटकों से इलाज कर लिया जाए। तो थोड़ी सी इनके कमरे की सफाई, क्योंकि शाम तक कमरा खुश्क हो जाए, सर्दी है तो सर्दियों में आपको पता है थोड़ा लेट खुश्क होता है, गंद मैं बाहर फेंक देती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में जी। सफाई हो गई, अभी ये शाम तक खुश्क हो जाएगा, अभी ये खा के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक और कॉमन पूछे जाने वाला सवाल मुझसे कि जी क्या डिवर्मिंग की जाए, तो और जो इंजेक्शन लगता है अगर वो खाल की बजाय गोश्त में लग जाए और स्वेलिंग हो जाए तो क्या जानवर मर जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि नंबर 1, अगर आपके जानवर को इंजेक्शन सही नहीं लगता, गोश्त में लग जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, तो बर्फ़ से उसकी ऊपर से सिकाई करें, ठिकोर करें और वो ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसकी डेथ हो जाए, सिर्फ ये होता है कि वो बेअसर हो जाता है, उसका असर नहीं होता। इसी तरह अगर आप इंजेक्शन जो है वो ठंडा करके नहीं लगाते, बिल्कुल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, तो वो भी असर नहीं करता। जितना ठंडा इंजेक्शन होगा उतना ज़्यादा असर करेगा, इससे कोई डेथ नहीं होती। हाँ, इस वजह से हो सकती है कि अगर उसकी डेट एक्सपायर है फिर ये कुछ नुकसान कर सकते हैं, वरना ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि फिर भी एहतियात करनी चाहिए, खाल का इंजेक्शन खाल में ही लगना चाहिए, गोश्त में ना लगाएं, तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मुर्गियाँ अपना खा के अब जो इनका गंद था उसमें से जो दाने शाने थे वो चुग रही हैं, तो इनके भी अंडे देने का जो है एक टोटका है कि इनको हल्दी आटे में डाल के मिक्स करके
हल्दी ज़्यादा सी, यानी कि एक मुट्ठी आटा है तो उसमें आप 2 से 3 चम्मच हल्दी डाल के और साथ लाल मिर्च डाल के ये गोलियां बनाकर इनको दें, खाएं। ये लाल मिर्च का फ़ायदा ये है कि वो इनकी डिवर्मिंग के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगी, डिवर्मिंग की दवाई समझ लें। तो जो हल्दी है वो गर्म होती है और इससे ये अंडे देती हैं और बहुत से अंदर से जो इन्फेक्शन है इनके वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे मुर्गियाँ भी हेल्दी रहती हैं। लेकिन मैं क्या बताऊँ कि इस मुर्गी ने इतना तंग किया हुआ है ये माशाल्लाह से सबसे कदीम मुर्गी है मेरी, और इसने क्या किया हुआ जी, ये अंडे दे के खुद खा जाती है। ये जो छोटी हैं ये अंडे देती हैं लेकिन ये खाती नहीं है, ये जो है ये खुद बैठ के खुद खा के खुद ही शोर मचा देती है कि मैंने अंडा दिया और मैं खा गई। अजवा के काम चेक करें, मेरे कपड़ों के साथ ये बटन है और ये हर वक्त वो खाती रहती है, 2 बटन तो उसने तोड़ दिए, अब पता नहीं और क्या करेगी। ये मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है, ये बटन बस इनको मुंह में डाल लेती है और वो उतारने की कोशिश करती रहती है। क्या है, हट पीछे मोटी डड्डू। आज रात को जी बकरा खुल गया लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बैठा रहा, क्योंकि ये माशाल्लाह से दोनों अब क्रॉस है, दूसरा तो हीट पे नहीं है तो बकरा भी तंग नहीं करता। बकरे को बांधना इसलिए ज़रूरी है कि चले थोड़ा सा ये होता है कि इनके करीब नहीं आता, जिसकी वजह से ये शोर नहीं करती, वरना इनके करीब आए ना तो ये शोर मचाना शुरू कर देती हैं। और ये अभी खा रहे हैं अभी लूसन, ये देखें, और बाला का भी शुक्र है अल्लाह का कि ये भी पक्की बात हो गई, कंफर्म हो गई कि ये भी जबन है। तो चलें, मुझे भी खुशी हुई और मेरा जो एक्सपीरियंस था जो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मुझे फील हो गया तो वो भी मेरा ठीक निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी छोटे मोटे उस्ताद बनी हैं खैर उस्ताद तो कोई भी नहीं होता, ये फील्ड ऐसी है बकरियों की कि जितना आप टाइम गुजरेगा उतना आप इस चीज़ को समझते जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े जी वो बन गए उस्ताद बन गए, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये है कि समझने की बात है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाएगी, नस्ल की, ब्रीड की, उनकी बीमारी की, ये वो सारा सिस्टम। तो जिन भाइयों का ये कहना होता है कि जी हमें आप गाइड कर दें हमने बकरी रखनी है और ये करना है वो करना है, उनको मेरा मशवरा है कि गाइड कोई भी करे तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद प्रैक्टिकली ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए दिल बड़ा करके बकरी रखें, जब आपको समझ आएगी, ऐसा ऐसा टाइम गुजरेगा तो खुद जब आप करेंगे काम तो फिर समझ आएगी। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो कि आप अपने जानवरों का, ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं उनकी डिवर्मिंग लाजमन करें, 1 साल तक लाजमन डिवर्मिंग आप हर माह लाजमन करें, उससे उनकी हाइट और ग्रोथ में इजाफा होगा और उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। अच्छा, नंबर 2 बात ये कि क्या एवरमेक्टिन का इंजेक्शन अगर खाल में नहीं लगता, गोश्त में लग जाता है या ठंडा नहीं लगता गर्म लग जाता है तो क्या जानवर की डेथ हो जाती है, ऐसा कोई सवाल नहीं आता था, बनता था पूछना, लेकिन चले मैं बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, डेथ वगैरह नहीं होती। शुरू शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था और यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते थे तो मैंने खुद इंजेक्शन लगाना शुरू किया, मुझसे कई दफ़ा एवरमेक्टिन का इंजेक्शन गलत लगा कि उनकी स्वेलिंग हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनकी डेथ हो गई जानवरों की और या ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये है कि तकलीफ होती है, ज़ाहिर है जानवर को, कोशिश करें कि आप खाल का इंजेक्शन सही तरीके से लगाएं, किसी बंदे को बुलाएं घर में, किसी फैमिली वाले मेंबर को बुलाएं और बकरी को पकड़ के तो आराम से एहतियात से लगाएं। और नंबर 2 बात यह है कि अगर गर्म लगाते हैं तो तब भी उसका असर नहीं होगा, बेअसर है। हाँ, डेथ का इशू आ सकता है कि जब आप एक्सपायर डेट वाला इंजेक्शन यूज़ करें, इसलिए डेट लाजमन देख लें, कोई भी मेडिसिन जानवरों को देते हैं या कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी डेट लाजमन ऊपर देखें। तो इसके अलावा और कोई इंसान कहे कि नुकसान होगा इसको, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बना दूँ। मुझे टिकटॉक पे पर्सनल लोगों ने, ये बहुत से पर्सनल लोगों ने सवाल किया कि अजी इससे डेथ तो नहीं होगी, मैंने कहा नहीं, लेकिन चले मैंने कहा कि एक वीडियो भी बना देती हूँ। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।